सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के चतुर्थ मंत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें कहा जा रहा है, स होवाच पीतरम तत्कस्मे माम दास्यसीति। द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। अर्थात तब वह अपने पिता से कहा, हे तात, आप मुझे किसको देंगे। इसी प्रकार वह दूसरी बार भी बोला, तीसरी बार भी बोला, तब उसके पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। अब यहां पर देखिए, जो वास सर्वस्व हैं तो वे जो यज्ञ कर रहे हैं, विश्वजीत यज्ञ, तो वो जो हैं जो बूढ़ी गायें थी उन सबको दान दे रहे थे, और उससे जो है जो उनके पुत्र है नचिकेता, तो उनको लगा, हालांकि वे बालक ही हैं, लेकिन उनको लगा कि इस तरह से जो बेकार सी चीजें हैं, बेकार हो चुकी हैं जो गायें, तो उनको जो है ये दे रहे हैं, यानी जो गाय किसी काम की नहीं है उनको दे रहे हैं, तो क्या लेने वाला प्रसन्न होगा, नहीं प्रसन्न होगा। जब वो प्रसन्न नहीं होगा तो फिर ये जो सोच रहे हैं कि इस यज्ञ से अच्छा फल मिलेगा, वो क्या फल मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए वे कह रहे हैं, तो वे सोचे, अपने मन में सोचे होंगे, तो यहां हम लोग को एक अनुमान भी लगाना है कि हम पुत्र होने के नाते कि हम ऐसा क्या कार्य करें कि मेरे पिता को अच्छा फल मिल जाए। तो उन्होंने सोचा कि जो है पुत्र जो है वह पिता का प्रिय होता है, तो उन्होंने सोचा कि जब ये मुझे ही किसी को दान कर देंगे तो हो सकता है कि इनको शुभ फल प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए वे बार बार कहते हैं अपने पिता से कि आप मुझे किसको देंगे, किसको मुझे दान दे देंगे आप। हालांकि कोई भी पिता अपने पुत्र को थोड़ी दान देता है, लेकिन बार बार जब ऐसे वो करने लगे तो क्रोधित उत्तेजित होकर के पिता ने कहा, जाओ तुमको जो है मैं मृत्यु को दान दे दूंगा। तो इस तरह से जब उसने जवाब दिया वास्तवस ने, शायद उसने ऐसा सोचा होगा कि इसी तरह से कहा कि इसको यहां से हटा दें, लेकिन उसने यानी नचिकेता ने उसे बहुत गंभीरता से लिया, बहुत गंभीरता से लिया, और वो बहुत संवेदनशील बालक था और आज्ञाकारी भी था और पिता का हित भी चाहता था। तो जब उसने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, यानी यम को देता हूँ, तो अब यहाँ से जो है अब हम लोग आगे देखेंगे अगले मंत्र में कि फिर क्या होता है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।